अस्सलामुअलैकुम, मैं रज़ा हजवेरी आपकी खिदमत में। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। दुनिया एक दिन की बहार है और हमने उस दिन का रोज़ा रखा है, यानी इसके एक दिन से भी हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। इसकी कैद में कैदी नहीं हुए क्योंकि दुनिया की आफत से आगाह है और इसके हिजाबात से बाखूबी वाकिफ है, इसलिए दुनिया को तर्क करते हैं। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने मुर्शिद को वुजू करवा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि जब हर चीज़ का इनसार तकदीर पर है तो आज़ाद लोग क्यों खामखा अपने आप को लालच में आकर पीरों का ग़ुलाम बना देते हैं। तो मुर्शिद ने मेरे दिल का ख्याल जानते हुए फरमाया, बेटा काम तकदीर पर यानी अल्लाह की रज़ा पर ही होता है, लेकिन इसका कोई सबब बनता है। और अल्लाह जब किसी को तख्त व ताज व विलायत अता करना चाहता है तो उसे किसी बड़े की ड्यूटी करवाता है, अपने किसी वली की खिदमत पर मामूर करता है और यही चीज़ उसके कमाल का सबब बनती है। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस किस्म के बहुत से लताइफ मुझ पर रोज़ ज़ाहिर होते थे अपने मुर्शिद पाक की खिदमत मुबारक माँ में रहते हुए। मुर्शिद पाक का नाम मुबारक ज़ैन उताद यानी अहलुल्लाह की ज़ीनत और शेख इबाद आबदों के शेख या आबदों के रहबर हज़रत शेख अबुल फजल खुतली रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे मुर्शिद तरीकत हैं, आप इल्मुल तफसीर और हदीस के मोतबर आलिम थे। आप हज़रत अली हुसरी के मुरीद थे और हज़रत शेख सरदानी की सोहबत याफ्ता थे। आप तारिक़ुद्दुनिया थे और 60 साल तक पहाड़ों में खलवत गजी रहे, अपना नामो निशान तक मिटा दिया, लेकिन आप दरवेशाना लिबास पहनते थे और रस्मी सूफियों से सख्ती से पेश आते थे। मैंने सारी ज़िंदगी आप जैसा बारोब दरवेश नहीं देखा। विसाल के वक़्त आपका सर मुबारक मेरी गोद में था और उस वक़्त मैं दोस्त की जुदाई पर रंजीदा था। मेरे दिल की बात को देखते हुए फरमाया, बेटा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम इस पर अमल करोगे तो तुम तमाम गम और परेशानियों से निजात पा जाओगे। ये पुख्ता यकीन कर लो कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है और जिस जगह भी हो रहा है, सब अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। तालिबान हक को चाहिए कि अल्लाह के किसी फेल को गलत और उस पर नुक्ता चीनी ना करे, बल्कि हर काम को अल्लाह ताला की रजा समझकर कबूल करे, तो फिर अल्लाह ताला उसके सारे कष्ट हटा देता है और वो राज़े खुदाबंदी से वाकिफ हो जाता है और उसे फिर कोई गम और कोई खुशी असरअंदाज नहीं हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।